नमस्कार दर्शक मित्रों, ओस्कार न्यूज चैनल में आपनुं स्वागत छे। समाचार में बात करिए तो बॉलीवुड फिल्म फौजी कॉलिंग ना प्रमोशन माटे शर्मन जोशीए अहमदाबाद की मुलाकात लीधी हती अने आ फिल्म विशेना पोतानो विचारों रजू कर्या हता। फौजी कॉलिंग ए आवनारी बॉलीवुड हिंदी भाषा की फिल्म छे, जे एक सैनिक की वार्ता रजू करे छे, जे हुमला में पोतानो जीव बलिदान आपे छे अने हुमला पछी तेनो परिवारना संघर्ष में छे। फिल्मना कलाकारों में शर्मन जोशी, रंजा, विक्रम सिंह, बिदिता बेग, महेश सोनी, मुग्धा गोडसे, जरीना वहाब और शिशिर शर्मा शामिल छे। आ फिल्म आर्यन सक्सेनाए लखी और दिग्दर्शित करी छे। ते सैनिकना जीवनना विविध पाशा और तेमना परिवारोंना संघर्षनी शोध करे छे। आ फिल्म समग्र भारत में 18 मार्चना रोज रिलीज थशे। फिल्म विशे बात करता शर्मन जोशीए जणाव्युं हतुं के फिल्मनी स्टोरी लाइन और मारुं कैरेक्टर जोईने मैं तरत ज फिल्म करवानी हा पाड़ी दीधी हती। दरेक भारतीयनी जेम मारा मा पण भारतीय सेना विशे आदर अने कृतज्ञता छे अने आ फिल्मनी वार्ता तेमना परिवारनी छे। एक फौजी बॉर्डर पर देश माटे लड़ी रह्या छे अने तेमनु परिवार जे घर मा एक अलग जंग लड़ी रह्यु छे, ते इमोशन्स बता खूब ज महत्वना हता। एथी आपणे फौजीओना परिवारने ઉજવણી કરીએ, એ લોકોના પરિવારનું જે બલિદાન છે, કુરબાની છે, જે વીરતા એ લોકો ઘરે બતાડે છે, એના સપોર્ટથી ફોજી એમનું કામ આપણા દેશની સીમાઓ પર કરે છે, આખા દેશને પ્રોટેક્ટ કરે છે, આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે। એક ફોજી જ્યારે શહીદ થઈ જાય છે પછી એના પરિવાર પર શું વીતે છે, એની આ વાર્તા છે। આઈ થિંક આર્યન અને પછી આર્યન સાથે અમે બધે જોડાયા અને અમારો પ્રયત્ન એ રહ્યો છે કે આપણે એ પરિવારની ભાવનાઓને સમજીએ, એને માનીએ અને સમજીએ અને એને એને એટલું માન આપીએ કે ક્યારે પણ ફૌજીના પરિવારને એવું ના લાગે કે ફૌજીના શહીદ થવા પછી કે એ લોકો એકલા છે, આપણે આપણો દેશ એ લોકો જોડે છે અને રહેશું। પરિવારની વાર્તા છે એટલે હ્યુમન ઇમોશન્સ પર છે, એટલે આમ આ ઇમોશન્સ આપણે બધા એનો અહેસાસ કરી શકે અને ઘરઘરની વાર્તા છે આમ જોવા જાવ તો। ખાલી ફરક એટલો છે કે આ ઘરનો જે વ્યક્તિ છે, જે પુરુષ છે, એ ફોજમાં કામ કરે છે અને એના શહીદ અને બલિદાન જ્યારે આર્યને જેમ કીધું એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કહી રહ્યો હતો કે એ જ્યારે ઘરથી નીકળે છે ત્યારે પરિવારવાળાઓને ખાતરી નથી હોતી કે પાછો ઘરે આવશે કે નહીં આવે, તો એવા એક પરિવારની છે। પણ ભાવનાઓ બધી આપણે બધા સમજી શકીએ અને એનો અહેસાસ કરી શકીએ એવી ભાવનાઓ છે। सर, ये फिल्म बनाने का आइडिया आपको किस तरह से है? ये मैंने पहले बुलाया है वापस इसी बात को कि पूरी अटैक के बाद ये आइडिया आया था। जब न्यूज़ में ये सब चल रही थी, सभी लोग उसमें एक वक्त सभी लोग इन्वॉल्व थे, पूरा देश एक्चुअली न्यूज़ में इन्वॉल्व था पूरी अटैक में और सब तक मतलब फौजी फैमिली सब खड़े हुए थे। बट एक मोमेंट ऐसा आया कुछ समय बाद कि सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए थे, तो उस वक्त मेरा ध्यान इस तरफ गया था, इस परिवार के ऊपर, क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे, अपनी फैमिली वाले, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, या फिर उसकी वाइफ हो, या उसके छोटे बच्चे हो। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि यार मुझे ये लिखना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए। एज ए मेकर मैं यही कर सकता था कि आपको वो साइड दी सकती है जो आपने नहीं देखी। आप बोल रहे थे कि आपने फिल्म को जिया है, तो ऐसा कोई मोमेंट जब आप एकदम इमोशनल हो गए हो? फिल्म में कई मोमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आप इमोशनल होंगे, आप होंगे। आई थिंक जिसने ट्रेलर फिल्म का देखा है उसमें एक बच्ची का ही बहुत इमोशनल सीन है जहाँ पर बच्ची भगवान से फाइट करती है। भगवान बोलती है मुझे पता है भगवान की तेरे यहाँ कोई तब तक नहीं आ सकता जब तक तू उसे बुलाता नहीं है, लेकिन मैं आऊँगी अगर कल सुबह तक मेरे पापा घर नहीं आए तो। एक कई मोमेंट हैं वो जो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज उससे आपकी फिल्म का मज़ा बेकार हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है आप इस फिल्म में आपको 8 से 10 ऐसे मोमेंट मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। टोटल कितने सॉन्ग है मूवी में? टोटल 5 सॉन्ग है, 5 सॉन्ग है। और ड्यूरेशन कितनी है फिल्म का? ड्यूरेशन 2 घंटा। ये हमने
झारखंड रांची एंड कश्मीर श्रीनगर टू कॉल प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर जय बजाज प्रेजेंट बुके टू सरमन जोशी स्टारकास्ट के नाम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों के बीच में यहाँ पे जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे सरमन जोशी प्लीज एवरीबॉडी एक बार जोरदार हो जाए एंड सरमन अटेंड करवाने मौका मिले और बताने हम एक साथ भेगा था इन्हें अपने पास करशु हमारी बहुत जल्दी आवनारी फिल्म फौजी कॉलिंग 18 मार्च है पिक्चर रिलीज थवानी है कोई जात नहीं पण स्कैम्बल था अपने बॉर्डर्स पर तो एम ए लोग जयरे एमनी जान गवाए थे ए लोग शहीद थी जाए बहुत मोटू काम कर जाए ऑफकोर्स देश माटे अने साथे साथे बहुत मोटू काम करना जे लोगना घरवाड़ा है अमे लोग एनी वार्ता पर अमे ध्यान आप्यू छे जे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स छे रांझा विक्रम सिंह जे मारा को एक्टर पण छे ने आ फिल्मना प्रोड्यूसर पण छे रनिंग हॉर्सेस एमी प्रोडक्शन कंपनी नु नाम जिमी जी ए अमारी जोड़े छे प्रेजेंटर छे अने ओवेश भाई वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर्स ओवेश प्रोडक्शन्स नाम थी